नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारत इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रहा है। देश के ज़्यादातर अस्पतालों में इस वक्त कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में देश और विदेश के तमाम लोग मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। बता दें, भारत के वर्तमान में कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया है और रोगियों की संख्या हर दिन खतरनाक दर से बढ़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर के लिए आईपीएल में खेल रहे पैट कमिंग्स ने भारत को 37 लाख की मदद दी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेडली ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पैट कमिंग्स ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 37 लाख रुपए दान किए। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों से भी मदद करने की अपील की थी। इसी कड़ी में ब्रेटली भी अब भारत की सहायता के लिए आ गए हैं। ब्रेटली ने बिटकॉइन के साथ भारत की मदद की है। वर्तमान में इसकी कीमत भारतीय रुपए में 41,01,000 रुपए है। आपको बता दें, ब्रेटली ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा, भारत मेरे लिए घर जैसा है। मुझे अपने करियर के दौरान और अपने सेवानिवृत्ति के दौरान भारत से जो प्यार मिला, उसका मेरे दिल में विशेष स्थान है। कोरोना महामारी के दौरान भारत के लोगों की दुर्दशा देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं खुश और भाग्यशाली मानता हूँ खुद को। मैं किसी भी तरह से अगर मदद करने में सक्षम हूँ। ब्रेटली ने इस मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी निभाने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों से अपने घर पर रहने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने पैट कमिंग्स की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की पहल की तारीफ भी की। मदद ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के महानतम तेज गेंदबाजों में से एक थे। अपने करियर में उन्होंने अपनी गति के बल पर दुनिया भर के बल्लेबाजों में दहशत पैदा की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लिए हैं। उन्होंने 221 वनडे मैचों में 380 विकेट चटकाए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।